हेलो फ्रेंड्स, लर्नर्स एकेडमी में आपका स्वागत है। अगर आप भी रूटीन में एक्सेल में काम करते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसे कुछ ट्रिक्स बताने जा रही हूं जिनको यूज़ करके आप अपना टाइम सेव करेंगे और आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज होगी। तो बिना देरी किए चलिए इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है सीरियल नंबर को इंसर्ट करना। मोस्टली आप सोच रहे होंगे कि सीरियल नंबर इंसर्ट करना क्या मुश्किल बात है। जनरली हम इस तरह सीरियल नंबर को फिल करते हैं। मैंने यहाँ पे 1 लिखा, 2 लिखा और इसको सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पे डबल क्लिक कर दिया। तो जितने सेल में आपका डेटा होगा आपके वहाँ तक सीरियल नंबर आ जाएंगे। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि आपने एक सिंगल डिजिट भी यहाँ पे एंटर नहीं करना है और बिना एंटर किए आपने सीरियल नंबर लिखना है, तो वो आप कैसे करेंगे? बिल्कुल सिंपल है, आप लिखेंगे इक्वल टू सीक्वेंस और ब्रैकेट में आपको देना होगा कि कहाँ तक आपने सीरियल नंबर लिखवाने हैं। तो मैंने यहाँ पे दिया 20 और जैसे मैंने एंटर किया तो देख सकते हैं 1 से लेकर 20 तक जो सीरियल नंबर है वो यहाँ पे आ चुके हैं। इसका फॉन्ट थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं तो देख सकते हैं। तो ये था कि आप एक फॉर्मूला के थ्रू कैसे सीरियल नंबर को इंसर्ट करेंगे। अब बात आती है कि अगर आपने किसी एम्प्लॉई की आईडी फिल करनी है जो इस फॉर्म में होगी, आईडी 01, आईडी 02, आईडी 03, कुछ इस फॉर्मेट में आपने आईडी फिल करनी है, तो वो आप कैसे करेंगे? तो यहाँ पे आपने लिखना है इक्वल टू, सबसे पहले तो डबल कोट्स में हम लिखेंगे आईडी, क्योंकि मुझे हर एक सीरियल नंबर के आगे इसको लिखवाना है। अब मैं यहाँ पे कंकैटिनेशन यूज़ करूँगी, उसके लिए हम लिखेंगे एंड और यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे टेक्स्ट। सबसे पहले है वैल्यू, वैल्यू में हम देंगे अपना दूसरा फॉर्मूला दैट इज सीक्वेंस। सीक्वेंस में आपको पता है कि हमें वहाँ तक देना होता है जहाँ तक हमने नंबर्स को डिस्प्ले करवाना है। सपोज़ कीजिए आपने आईडी 1 से लेके 20 तक डिस्प्ले करवाना है, तो यहाँ पे मैं दूंगी 20 कॉमा। अब यहाँ पे है फॉर्मेट टेक्स्ट। फॉर्मेट टेक्स्ट में आप देंगे कि आपने कितने डिजिट का जो नंबर है वो जनरेट करवाना है। जैसे देखिए, अगर मैं आईडी 20 की बात करूँ तो वो मेरा 2 डिजिट है। अगर 1 की बात करेंगे तो 1 मेरा सिंगल डिजिट है, लेकिन मुझे उसको भी 2 डिजिट में कन्वर्ट करना है, इसलिए डबल कोट्स में यहाँ पे यूज़ करूँगी 2 जीरोस। इसको क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। जैसे ही एंटर करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो थोड़ा सा मैं इसका फॉन्ट इंक्रीज कर देती हूँ, आईडी 01 से लेकर आईडी 20 तक मेरे सभी जो हैं वो डिस्प्ले हो गई हैं, देख सकते हैं। अगर आपने आईडी 001, आईडी 002, आईडी 100 तक आपने डिस्प्ले करनी है तो आपका सेम अप्रोच रहेगी। इसमें थोड़ा सा चेंज होगा फॉर्मूला में। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे सीक्वेंस में वैल्यू चेंज करूँगी और उसको दूंगी 100, क्योंकि मुझे 100 तक आईडीज़ को डिस्प्ले करवाना है। और जहाँ पे मैंने यहाँ पे 00 दिया था, यहाँ पे हम 000 करने वाले हैं, बिकॉज हमारे जो आईडी है वो 3 डिजिट का हो जाएगा। इसको एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं आईडी 001, आईडी 002 और ये कहाँ तक जाएगा, अप टू 100। तो देखिए आईडी 100। तो इस तरह से आप एक सीक्वेंस नंबर को इंसर्ट करवा सकते हैं। अब बात आती है कि अगर आपके पास डुप्लीकेट डेटा होगा तो वो आप कैसे चेक करेंगे। यहाँ पे देख पा रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स के नेम हैं और इनमें कुछ ऐसे नाम हैं जो रिपीट हुए हैं, जो डुप्लीकेट हैं। तो डुप्लीकेट वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले अपने डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे। डेटा मेरा सिलेक्ट हो चुका है, होम टैब में जाएंगे और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे स्टाइल ग्रुप। इसमें आपको ऑप्शन मिलेगी कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इस पर आप क्लिक करेंगे।
फर्स्ट आपको ऑप्शन मिलेगी हाईलाइट सेल रूल्स, इस पे जैसे ही आप अपना माउस लेके जाएंगे तो आपको बाकी ऑप्शंस दिखाई देंगी। लास्ट में जाइए, एक ऑप्शन मिलेगी डुप्लीकेट वैल्यूज, इस पे आप क्लिक करेंगे और जिस कलर से भी आपने इसको हाईलाइट करना है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे एंड ओके करेंगे। तो देखिए, ये वो नाम हैं जो आपके इस लिस्ट में रिपीट हुए हैं। तो हमारे पास जो है, देखिए, रेपिटेशन में वैल्यूज़ आ गई हैं। अगर आप एक से ज़्यादा कॉलम में वैल्यूज़ देखना चाहते हैं कि कितनी वैल्यूज़ रिपीट हुई हैं, तो आपने दोनों कॉलम्स को सिलेक्ट करना है। दोनों कॉलम सिलेक्ट करने के बाद आपका प्रोसेस सेम रहेगा। हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट सेल रूल्स, और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे डुप्लीकेट वैल्यूज़। तो दोनों कॉलम में जो भी वैल्यूज आपकी डुप्लीकेट होंगी वो हाईलाइट हो जाएंगी। हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनका एक क्वेरी थी कि अगर मेरे पास कोई डेट लिखी हुई है, जैसे मैंने लिखा 1/1/2023 और नेक्स्ट डेट है 2/1/2023, तो ये मेरा फर्स्ट मंथ चल रहा है, तो मैंने कुछ यहाँ पे इसकी डेट्स कर दी। और तो देखिए, तो अब उनका क्वेश्चन था कि मैं इसमें जो मंथ है वो कैसे चेंज करेंगे। अब आपकी डेट सेम रहनी चाहिए, ईयर सेम रहना चाहिए, लेकिन जो मंथ है वो आपने चेंज करना है। अब जनवरी मंथ है, फर्स्ट मंथ है, इसकी जगह आपको सेकंड मंथ लेके आना है। तो यहाँ पे एक आप फॉर्मूला लिखेंगे, वो फॉर्मूला है आपका डेट। तो डेट में आपको पता है सबसे पहले ईयर होगा, मंथ होगा एंड डे होगा। तो आपने लिखना है ईयर ब्रैकेट में, ईयर आप कहाँ से लेंगे सीरियल नंबर, फ्रॉम H2। इसको आप क्लोज करेंगे, यहाँ से आपके पास ईयर की वैल्यू आ जाएगी। जब आप मंथ की वैल्यू लिखेंगे तो मंथ भी आपने यहाँ से लेना है H2, लेकिन उसमें हम करेंगे +1, क्योंकि अब मुझे मंथ जनवरी से फरवरी लेके आना है, तो इसलिए 1 में मैं 1 प्लस कर दूंगी, कॉमा, लास्ट है मेरा डे और इसमें आप वैल्यू देंगे H2। अगर आपने अपनी डेट किसी भी सेल में नहीं फिल की हुई है तो यहाँ पे आप अपनी जो नंबर्स हैं, जैसे ईयर में आप 2023 एंटर कर सकते हैं, डे में जो नंबर है वो आप एंटर करेंगे। और अब मैं इसको एंटर करूँगी, तो यहाँ पे हमारा एक एरर है। तो जैसे मैंने एंटर किया तो देखिए, आपकी डेट सेम है लेकिन आपका जो मंथ है वो इंक्रीमेंट हो गया है और ईयर सेम है। तो हम ट्रैक करेंगे और सभी के लिए हमारे पास ऐसा ही रिजल्ट आएगा। सिर्फ हमारा जो मंथ है वो चेंज होगा, आपका डेट और ईयर जो है वो सेम रहेगा। अब हमारे पास कुछ इस तरह का डेटा है, इस डेटा में मैंने ब्लैंक रोज इंसर्ट करनी है। तो जैसे आप देख पा रहे हैं, ये मेरे पास एक रो है, इसके बाद मैं चाहती हूँ एक ब्लैंक रो मेरी इंसर्ट हो। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने क्या करना है, फर्स्ट रो को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं ये हेडिंग वाली रो को ही मैंने सिलेक्ट किया, उसके बाद आपने कंट्रोल की प्रेस करनी है। कंट्रोल की प्रेस करने के बाद आप 1/1 सभी रोज को माउस की हेल्प से सिलेक्ट करेंगे। सारी रोज आपकी सिलेक्ट हो चुकी हैं। अब आप किसी भी रो के ऊपर कर्सर ले जाइए और राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे इंसर्ट। जैसे इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए, मेरी जो ब्लैंक रोज हैं वो डेटा के बीच में इंसर्ट हो चुकी हैं। तो ये थी हमारी वो ऐसी एक्सेल की टिप्स एंड ट्रिक्स जिनको यूज़ करके आप अपना टाइम सेव करेंगे और आपकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी और आपके बॉस भी आपसे इम्प्रेस हो जाएंगे।
तो अगर ये ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. कीप सपोर्टिंग अस.